वेलकम बैक दोस्तों, आज मैं आपके सामने नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई एक थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है चोर निकल के भागा, जिसमें फेयरवेली मोहतरमा लीडिंग रोल पर है। अब मूवी के बारे में बात करें तो मूवी मुझे ठीक ठाक ही लगी, एक बार देख सकते हैं, अगर ना देखो कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टार्टिंग के 40 मिनट्स स्टोरी बिल्डअप में चला जाता है, मतलब हीरो की चोरी, हैजैक वगैरह। सेकेंड हाफ में मूवी का सस्पेंस धीरे धीरे रिवील होने लगता है और मुझे ना इस मूवी की कहानी प्रिडिक्टेबल ही लगी, मतलब कुछ ओपी पॉइंट्स नजर नहीं आए मुझे। इससे बेहतर मुझे मोनिका ओमी डॉर्लिंग मूवी अच्छी लगी थी। खैर, वीडियो देखने के बाद कमेंट करके बताना जरूर कि आपको ये मूवी कैसे लगी। तो चलिए बिना डैमेज के लेट्स स्टार्ट। उससे पहले उठा दो प्यार फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही अंकित नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है, जिसकी नाक से बहुत खून बहते रहता है, और उसी तरह पुलिस वाले अंकित से कुछ पूछताछ भी करते रहते हैं कि वो लोग कौन थे, कहां से आए। अंकित यही कहने लगता है कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं। उसके बाद सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है, 8 घंटे पहले अल बरकत गल्फ कंट्री, जहां पर अल बरकत के एयरपोर्ट पर कुछ लोगों को दिखाया जाता है। ऑलमोस्ट ये 6 लोग होते हैं जो डिफरेंट जगह से इस एयरपोर्ट पर आते हैं, और उसी तरह ये प्लेन अल बरकत से लेते हुए न्यू दिल्ली जा रही होती है। इसी फ्लाइट की एयर होस्टेस होती है नेहा नाम की एक लड़की। नेहा की फ्रेंड नेहा से यही पूछने लगती है, क्यों तुम्हारा चेहरा मुरझाया हुआ है, क्या अंकित से दोबारा झगड़ा हुआ। यह सुनने के बाद नेहा अपने फ्लैशबैक को याद करने लगती है, 8 महीने पहले सेम फ्लाइट, और इसी फ्लाइट में अंकित और नेहा की मुलाकात हुई। यहाँ पर मैं ज्यादा लैग नहीं करना चाहता। धीरे धीरे इन दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी, एक दूसरे से प्यार करने लगे, इस तरह से इन दोनों का रिलेशनशिप चलने लगता है। खैर, प्रेजेंट डे पर गफ्फार नाम का एक बूढ़ा आदमी एक एयर होस्टेस से बहुत गर्म पानी मांगने लगता है, शायद इसे कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है। एट द सेम टाइम नेहा भी कुछ पैसेंजर्स को सर्व करती रहती है। इत्तेफाक से उसी फ्लाइट में नेहा अंकित को भी देखती है। इसे देखकर नेहा दोबारा अपने फ्लैशबैक को याद करने लगती है। कुछ महीनों पहले अंकित और नेहा को ये बात पता चली कि नेहा प्रेग्नेंट है। यह सुनने के बाद इन दोनों के तो होश ही उड़ जाते हैं कि बिना शादी के प्रेग्नेंट, लेकिन अंकित नेहा को मनाने लगता है कि हम इस बेबी को रख लेंगे, हम दोनों शादी कर लेंगे। सो इसी बात पे सेलिब्रेट करने के लिए अंकित और नेहा एक छोटे से रेस्टोरेंट पर जाते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे से इसी बात के बारे में डिस्कस करते रहते हैं, तभी दो अनजान बंदे अंकित को कॉल करके उस रेस्टोरेंट से बाहर बुलाते हैं। अंकित के साथ बहुत ही बदतमीज से पेश आने लगते हैं। ये देखकर नेहा के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि नेहा ने अभी तक अंकित को ऐसा नहीं देखा। अंकित वापस नेहा के पास आने पर नेहा अंकित को बार बार पूछने लगती है कि वो दोनों कौन थे। सो अंकित अपनी कहानी नेहा को बताने लगता है कि 2 साल पहले इसने डायमंड्स की इंश्योरेंस कंपनी ओपन किया था। अंकित के एक एम्प्लॉय ने उन दोनों के डायमंड्स को चुरा कर भाग गया। अब वो दोनों अंकित के पीछे पड़े हैं कि अंकित उन दोनों को पैसे पे करना होगा, ऑलमोस्ट समथिंग 20 करोड़ रुपए, या तो फिर डायमंड्स चोरी करने के लिए कह रहे हैं। अंकित के पास ना पैसे होते और अंकित ना चोरी करना चाहता है। यह सुनने के बाद नेहा अपना एक इंसिडेंट अंकित को बताने लगती है कि नेहा के फादर अंडरवर्ल्ड का पैसा हैंडल कर रहे थे, एक दिन कुछ गुंडों ने आकर नेहा के फादर को मार दिया। सो नेहा दोबारा इस झंझट में नहीं पड़ना चाहती, इसका आने वाला बच्चा अच्छे से जिंदगी गुजारे। खैर, प्रेजेंट डे पर अंकित अपने फोन में आया हुआ मैसेज नेहा को दिखाता है। इसे देखकर नेहा भी बहुत खुश होती है। दोबारा सीन फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक दिन इंडिया का होम मिनिस्टर अल बरकत आया था एक शेख से डायमंड्स की डीलिंग करने के लिए, मतलब होम मिनिस्टर इस बंदे से डायमंड्स खरीदने वाला है, और ये शेख बहुत सिक्योर तरीके से डायमंड्स होम मिनिस्टर को पहुंचा देगा, मतलब इंडिया, मतलब इसका एक प्रोसेस होता है, कोई भी इन डायमंड्स को चुरा नहीं सकता। होम मिनिस्टर की तरफ से इसका पीए भगत इसकी डीलिंग करते रहता है, और शेख की साइड से अंकित। उसी दिन अंकित भगत को किसी क्लब में लाकर अपना प्लान बताने लगता है कि हम वो डायमंड्स चुरा लेंगे और आधा आधा कर लेंगे। पहले तो भगत नहीं मानता, लेकिन बाद में अंकित भगत को मनवा लेता है कि मैं उन डायमंड्स को चुरा लूंगा, लेकिन किसी को भी पता नहीं चलेगा। खैर, प्रेजेंट डे पर नेहा अंकित के पास आकर यही कहने लगती है कि तुम्हारा कुरियर मैन इस फ्लाइट में मौजूद नहीं है। यह सुनने के बाद अंकित के तो होश ही उड़ जाते हैं, मतलब शेख ने उन डायमंड्स को एक बंदे के साथ भेजा होता है। अंकित कंफर्म करने के लिए अपने बॉस शेख को कॉल करने पर शेख यही कहने लगता है कि मेरा कुरियर मैन भी उस फ्लाइट में मौजूद है। अब अंकित यही सोचने लगता है कि कैसे ये उस कुरियर मैन को पता करे, क्योंकि आइन टाइम पर शेख ने कुरियर मैन को चेंज कर दिया। सो अंकित नेहा के पास आकर यही कहने लगता है कि उस कुरियर मैन को तुम्हें ही फाइंड आउट करना होगा, वो बंदा फ्लाइट का कुछ भी नहीं खाएगा। सो फाइनली नेहा उस बंदे का पता कर ही लेती है, मतलब वो बंदा फ्लाइट का पानी तक नहीं पीता। यह जानने के बाद अंकित दोबारा नेहा के पास आकर यही कहने लगता है कि तुम किसी भी तरह से उस बंदे को बाथरूम में भेजो, मैं डायमंड्स चुरा लूंगा। सो नेहा उसी तरह से उस बंदे के ऊपर जानबूझकर कुछ गिरा देती है, जिसकी वजह से वो बंदा बाथरूम जाने लगता है। तभी 3 टेररिस्ट अपनी गन के साथ इन सारे पैसेंजर्स को डराने लगते हैं
टेररिस्टों को देखकर फ्लाइट में तो हंगामा ही मच जाता है। सारे पैसेंजर्स को कंट्रोल करने के बाद एक टेररिस्ट नेहा से पूछने लगता है कि फ्लाइट मार्शल कौन है। बहुत देर पूछने के बाद सुधांशु नाम का एक बंदा अपना हाथ उठाता है। उसके बाद क्या था, वो टेररिस्ट सुधांशु के पास से गन लेकर उसके हाथ बांध देते हैं। अब इसी दरमियान में एक बंदा हीरोपंती दिखाने लगता है, लेकिन वो टेररिस्ट इस बंदे को बहुत बुरी तरह से मारने पीटने लगते हैं। उसके बाद एक टेररिस्ट पायलट से बात करते हुए कहने लगता है कि मुझे तुम्हारी इंडियन गवर्नमेंट से बात करनी है, हमारे कुछ मांगे हैं, आदिल मीर को रिहा करना होगा और इसी तरह अब ये फ्लाइट कुल्लू जाकर ही रुकेगी। सो थोड़ी देर में ये सारी बात गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑफिसर्स को पता चलती है। एक दूसरे में यही डिस्कस करने लगते हैं कि अब ये लोग क्या करें। दूसरी तरफ होम मिनिस्टर भगत को कॉल करके यही बात बताने लगता है कि अंकित जिस फ्लाइट में आ रहा है वो फ्लाइट हाईजैक हो चुका है, तुम फटाफट से कुल्लू जाओ, फ्लाइट लैंड होने के बाद उसके पास से डायमंड ले आओ और ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए। इस तरफ फ्लाइट में नेहा एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनती है। दोबारा सीन फ्लैशबैक में जाने लगता है। वो दो गुंडे अंकित को बार बार कॉल करके धमकी दे रहे थे और एक दिन तो अंकित पर अटैक भी किया, अंकित को बहुत मारा पीटा। जब नेहा आगे आई, एक बंदा नेहा के पेट में एक जबरदस्त लात मारता है जिसकी वजह से बेचारी नेहा का मिसकैरेज हो जाता है और नेहा के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। इन दोनों ने तो फैमिली सोच लिया था। तभी उसी वक्त वो लोग अंकित को कॉल करके दोबारा धमकी देने लगते हैं कि फैमिली बनाने चले थे ना, बन गई फैमिली। सो नेहा उनसे डील कर लेती है कि हम डायमंड्स को चुराएंगे। खैर प्रेजेंट डे पर अंकित आस्थमा का नाटक करने लगता है। उन टेररिस्टों से कहने लगता है कि मेरा इनहेलर मेरी बैग में है। इस तरह से बिजनेस क्लास में जाकर उस कुरियर मैन के बैग से डायमंड्स चुराने की कोशिश करने लगता है। मतलब एक्चुअली इस बॉक्स का आधा कोड भगत के पास होता है और आधा कोड अंकित के पास। तभी एक टेररिस्ट आकर अंकित को देख लेता है और इसे पूछने लगता है कि तुम तो वहाँ पर बैठे थे, इस बैग के पास क्या कर रहे हो और तुम्हारा आस्थमा अटैक कहाँ पर गया। ऐसा पूछते हुए इसकी नाक को तोड़ ही देता है जिसकी वजह से अंकित के नाक से बहुत ब्लीडिंग होने लगती है। नेहा अंकित के पास मरहम पट्टी करने के लिए आकर उसे समझाने लगती है कि उल्टी पुल्टी हरकतें मत किया करो। दूसरी तरफ परवेज नाम का एक रॉ एजेंट उन टेररिस्टों के कहने पर आदिल मीर को रिहा कर लेता है। इस तरफ अंकित दोबारा बहाना बनाकर नेहा के पास आकर यही कहने लगता है कि मैंने उस बैग में डायमंड्स के बक्से को देखा, अब मैं तो वहाँ पर नहीं जा सकता, तुमको ही उन डायमंड्स को चुराना होगा। लेकिन नेहा इसके लिए मना करने लगती है क्योंकि वो टेररिस्ट सारे पैसेंजर्स को एक ही जगह पर बिठा के रखा होता है, किसी को भी हिलने नहीं दे रहे होते। अंकित नेहा से कहने लगता है अगर तुमने डायमंड्स को नहीं चुराया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। उसके बाद वो टेररिस्ट अंकित को नेहा के साथ देखकर दोबारा इसकी नाक तोड़ देते हैं। उसके बाद परवेश उन टेररिस्टों से बात करते हुए यही कहने लगता है कि हम तुम्हारी मांगे पूरी करने के लिए रेडी है, आदिल मीर को रिहा कर लिया, तुम लोगों की हेलीकॉप्टर भी रेडी है, बस पैसेंजर्स को कुछ नहीं होना चाहिए। इस तरह फ्लाइट में दोबारा इसी मौके का फायदा उठाकर अंकित बिजनेस क्लास में जाकर फाइनली उस बंदे की बैग से डायमंड्स को चुरा ही लेता है। तभी इत्तेफाक से एक और टेररिस्ट अंकित को वहाँ पर देख लेता है, पूछने लगता है कि तुम बार बार यहाँ पर क्यों आ रहे हो, आखिरकार इस बैग में क्या है। सो बैग में चेक करने पर सच में डायमंड्स होते हैं। ये देखकर अंकित इस टेररिस्ट को मारने पीटने लगता है। इस तरह से इन दोनों के बीच बहुत हाथापाई होने लगती है। इसी दरमियान में इनकी फ्लाइट कुल्लू एयरपोर्ट तक पहुंच जाती है, मतलब लैंडिंग हो जाती है। इसी चक्कर में उस टेररिस्ट के हाथ में जो गन होती है वो गन फायर होने की वजह से उस टेररिस्ट की मौत हो जाती है। अब गन फायरिंग की आवाज़ सुनने के बाद एक और टेररिस्ट अंकित के पास आता है। सो बाकी दो टेररिस्ट अंकित को बहुत मारने पीटने लगते हैं। अब इसी दरमियान में सुधांशु जो फ्लाइट मार्शल होता है वो अपने हाथों को ओपन करके चोरी चुपके एक टेररिस्ट की गन लेकर बाकी दो टेररिस्टों को भी गोली मार देता है। उसके बाद ये खबर परवेश तक पहुंच जाती है कि हाईजैक खत्म हो चुका, सारे पैसेंजर्स सेफ है, सारे टेररिस्ट मारे जा चुके हैं। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि उन टेररिस्टों ने अंकित को एक बॉम्ब से बांध के रखा होता है। जब यह खबर परवेश को पता चलती है, परवेश फटाफट से बॉम्ब स्क्वाड को यहाँ पर बुलाने लगता है। उसके बाद सारे पैसेंजर्स उस फ्लाइट से निकलकर सेफ जगह पर जाने लगते हैं। इन्हीं पैसेंजर्स में से एक बंदा घोड़े बेचकर सो रहा होता है। एयर होस्टेस बहुत ही मुश्किल से इसको जगाती है। दूसरी तरफ भगत एयरपोर्ट के पास पहुंचकर अंकित का वेट करते रहता है कि कब अंकित डायमंड्स लेकर आएगा। एट द सेम टाइम होम मिनिस्टर मीडिया के सामने आकर अपना स्टेटमेंट देने लगता है। वही हाईजैक वगैरह खत्म हो चुका, सारे पैसेंजर सेफ है। इस तरफ फ्लाइट में बॉम्ब स्क्वाड आकर उस बॉम्ब को डिस्पोज करने की कोशिश करने लगते हैं। बाद में पता चलता है कि वो तो नकली बॉम्ब है। खैर जो भी हो, फाइनली अंकित उन डायमंड्स को हासिल कर ही लेता है। फ्लाइट से बाहर आकर नेहा से यही कहने लगता है कि डायमंड्स मेरे पास है, मैं भगत के पास जाकर डीलिंग कर आता हूँ। इस तरह से अंकित एयरपोर्ट के अंदर आकर वो डायमंड्स वाला फोन भगत के हाथ में थमा देता है। इस तरह फ्लाइट के अंदर पुलिस वाले तलाशी लेने पर ये बात पता चलती है
कि इस फ्लाइट में एक भी डेड बॉडी मौजूद नहीं। यह जानने के बाद परवेज फटाफट से सारे एंट्री एग्जिट को बंद करने के लिए कहता है और इसी तरह फ्लाइट मार्शल को आवाज लगाने लगता है भानु यादव। और यहाँ पर हमको यह बात पता चलती है कि जो घोड़े बेचकर सो रहा था वही असली फ्लाइट मार्शल भानु यादव है। सो परवेज भानु यादव से पूछने लगता है कि आपने जिन टेररिस्टों को मारा उनकी लाश कहाँ पर है। भानु यादव यही कहने लगता है कि मुझे तो होश ही नहीं रहा। एक्चुअली सुधांशु जो फ्लाइट मार्शल बना हुआ था वो कब का इस एयरपोर्ट से जा चुका होता है। सो तब जाके परवेज को ये बात पता चलती है कि एक्चुअली फ्लाइट हाईजैक ही नहीं हुआ, जो टेररिस्ट बने थे वो लोग इन्हीं पैसेंजर्स में से मौजूद है, हमें उनको ढूंढ निकालना होगा। इस तरफ भगत उन डायमंड्स की चेकिंग करवाने पर ये बात पता चलती है कि ये डायमंड्स तो नकली है। सो भगत अंकित को डांटने लगता है, क्या तुम मुझे डबल क्रॉस करना चाहते हो, मुझे अभी के अभी असली डायमंड्स चाहिए। ये जानने के बाद अंकित के तो होश ही उड़ जाते हैं कि इतना मुश्किल से ये डायमंड्स को चुराया लेकिन वो डायमंड्स असली है ही नहीं। अंकित बाथरूम में जाकर नेहा को बुलाकर यही बात बताने लगता है कि ये बर्बाद हो गया, इसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। नेहा अंकित को पीछे से हक करके दिलासा दिलाने लगती है कि फिक्र मत करो अंकित, हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। यह सुनने के बाद अंकित का बिहेवियर ही बदल जाता है। नेहा का गला पकड़कर यही कहने लगता है कि दोबारा कहां से स्टार्ट करूं, डायमंड्स के लिए ही मैंने तुमको पटाया, अब वही डायमंड्स नहीं रहे। नेहा दोबारा अपने फ्लैशबैक को याद करने लगती है जब नेहा का मिसकैरेज होकर वो हॉस्पिटल में थी, तभी नेहा का कजिन सुधांशु नेहा को ये मैसेज भेजता है कि नेहा तुमने मुझे क्या वॉइस रिकॉर्डिंग भेजा, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। जब नेहा उस वॉइस रिकॉर्डिंग को सुनती है तो इसको ये बात पता चलती है कि जो दो बंदे अंकित को मार रहे थे वो अंकित के ही आदमी थे। मतलब उस दिन हाथापाई के दौरान नेहा का फोन उसके हाथ से नीचे गिर गया और ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग पर चला गया, जिसकी वजह से अंकित और उन दोनों के बीच हुई बातें रिकॉर्ड हो गई थी नेहा के फोन में। सो ये जानने के बाद नेहा उसी वक्त अंकित को फॉलो करने लगती है तो नेहा ये देखती है कि अंकित उन दोनों गुंडों के पास जाकर उनसे हंसते हुए बात करने लगता है और वहाँ से एक लड़की के पास आकर चुमा चाटी भी करने लगता है। तब जाके नेहा को पता चलता है कि अंकित ने इसको धोखा दिया। उसके बाद नेहा अपने कजिन सुधांशु को कॉल करके यही बताने लगती है कि मुझे एक बंदे से बदला लेना है और उसी तरह बदले में हमको 120 करोड़ के हीरे भी मिलेंगे। इस तरह से नेहा पहले अपना प्लान सुधांशु को बताने लगती है कि एक्चुअली प्लान कैसा होगा और स्पेशली नेहा अंकित को बर्बाद करना चाहती है। उसके बाद सुधांशु अपने बाकी टीम मेंबर 5 लोगों से वीडियो कॉल में बात करते हुए अपना प्लान बताने लगता है। यही 5 लोग मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था, अब्बास, जीनू, निक्की, गफ्फार, मनमीत, और ये 5 डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से होते हैं। इन 5 में से 3 लोग ही टेररिस्ट बने थे। खैर प्रेजेंट डे पर परवेज एक एक पैसेंजर से पूछताछ करने लगता है। फाइनली अंकित की बारी आती है। सो परवेज अंकित पर शक करने लगता है कि आखिरकार तुम उस फ्लाइट में क्या ढूंढ रहे थे और वो टेररिस्ट बार बार तुमको ही क्यों मार रहे थे। अंकित यही कहने लगता है कि सर मुझे कुछ भी आइडिया नहीं। उसके बाद परवेज उन तीनों से पूछताछ करने लगता है जो टेररिस्ट बने थे। ये तीनों किसी भी तरह से अपना अपना जवाब दे ही देते हैं, मतलब पकड़ में नहीं आते। दूसरी तरफ भगत होम मिनिस्टर को कॉल करके यही कहने लगता है कि सर वो डायमंड्स नकली है, शायद असली डायमंड्स अंकित ने ही चुराया। उसी वक्त एक और ऑफिसर होम मिनिस्टर को कॉल करके यही बात बताने लगता है कि सर हमको मीडिया के सामने आकर स्टेटमेंट बदलना होगा क्योंकि वो हाईजैक नकली था। ये सुनने के बाद तब जाके होम मिनिस्टर को पता चलता है कि एक्चुअली वो लोग डायमंड्स चुराने के लिए ही झूठा हाईजैक का नाटक किया। इस तरह परवेज भानु यादव से पूछताछ करने पर ये बंदा यही कहने लगता है कि इसने फ्लाइट में एक जूस पिया, उसके बाद इसको होश ही नहीं रहा और जूस का ऑर्डर लेने वाली नेहा है। इस तरह से एक पुलिस वाला नेहा को कैबिन में बुलाने लगता है। ये जानने के बाद नेहा फटाफट से एक अननोन नंबर से होम मिनिस्टर को कॉल करके उसको धमकी देने लगती है कि आपकी डायमंड स्मगलिंग की बात मीडिया के सामने आ सकती है। लेकिन होम मिनिस्टर घबराता नहीं। होम मिनिस्टर को प्रूफ दिखाने के लिए नेहा इसको एक फोटो भेजती है। ये फोटो देखने के बाद होम मिनिस्टर के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसके बाद परवेज नेहा को अपने कैबिन में बुलाकर इससे पूछताछ करने लगता है। पूछताछ के दौरान नेहा भी पकड़ी नहीं जाती, अच्छे से जवाब देने लगती है कि उस हाईजैक का उसका कोई भी लेना देना नहीं। एट द सेम टाइम होम मिनिस्टर परवेज को कॉल करके ये ऑर्डर देने लगता है कि सारे पैसेंजर्स को भेज दिया जाए। उसके बाद अंकित नेहा को खोपचे में बुलाकर इस पर ही शक करने लगता है कि असली डायमंड्स कहां पर है। डायमंड्स की बात सिर्फ हम दोनों को ही पता है। लेकिन नेहा अंकित के साथ प्यार जताने का नाटक करने लगती है। उसी वक्त होम मिनिस्टर के आदमी अंकित को घसीटते हुए वहां से ले जाने लगते हैं। उसके बाद नेहा के प्लान को दिखाया जाता है कि फ्लाइट के अंदर आते ही अब्बास, जीनू, निकी फौरन बाथरूम में जाकर अपना कॉस्ट्यूम्स चेंज कर लेते हैं। फ्लाइट जब हवा में होती है तब ये तीनों बाहर आते हैं। अब इसी दरमियान में नेहा भानु यादव को जूस देकर उसे बेहोश कर देती है।
एट द सेम टाइम गफ्फार ने गर्म पानी पूछा था ना, सो गफ्फार उस गर्म पानी और मोम की मदद से एक झूठी गन बनाई, क्योंकि रियल गन्स फ्लाइट में नॉट अलाउड। उसके बाद सारे पैसेंजर्स को डराने के लिए मनमीत को बहुत मारा पीटा, जो इन्हीं का आदमी होता है। अब सुधांशु भानु यादव के बगल में ही बैठा था। भानु यादव बेहोश होने के बाद सुधांशु उसकी रियल गन लेकर उसमें डुप्लीकेट बुलेट्स भर देता है और उन्हीं डुप्लीकेट गन से उन तीनों को फायर करता है और वो तीनों मरने का नाटक किया था। सो इसी दरमियान में सुधांशु ने रियल डायमंड्स को अपने पास रखकर नकली डायमंड्स को उस बैग में रख दिया और एयरपोर्ट के अंदर आने के बाद फटाफट से अपना हुलिया चेंज करके पहली फुर्सत में डायमंड्स के साथ ये बाहर निकल गया, क्योंकि इसको पता था इतना जल्दी पैसेंजर्स को जाने नहीं देंगे। अब बॉम्ब के बारे में बात करें तो वो तो बस चॉकलेट्स थे, क्योंकि इन लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। इस तरह से नेहा ने अपना प्लान कामयाब कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ होम मिनिस्टर अंकित और भगत को पकड़कर बहुत मारने पीटने लगता है, क्योंकि एक्चुअली नेहा ने होम मिनिस्टर को भगत और अंकित के बीच हुई चैटिंग को होम मिनिस्टर को भेजा था, मतलब वही कोड। सो ये देखकर होम मिनिस्टर को ये बात पता चल गई कि भगत और अंकित डायमंड चुराने वाले थे, और इसी तरह अंकित को भी पता चल जाता है कि इन सारे कांड के पीछे नेहा का हाथ है। थोड़ी दिन के बाद नेहा अंकित को देखने के लिए हॉस्पिटल आती है, क्योंकि उस वक्त अंकित की बहुत ही बुरी हालत होती है। अंकित भी नेहा के प्लान को अप्रिशिएट करने लगता है। उसके बाद नेहा एक आलिशान फ्लाइट में शैंपेन पीते हुए कहीं पर जाने लगती है। फाइनली अंकित हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर नेहा को कॉल करके यही कहने लगता है, क्या तुमने अपने पुराने बॉयफ्रेंड को भूल गई? इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।